सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए एक और मॉडिफिकेशन की वीडियो। और जो गाड़ी रहने वाली है वो हमारी रहेगी आज किया सोनेट। और ओनर ने बिल्कुल बेस मॉडल लिया था एंड ओनर का भी यही प्लान था कि बेस मॉडल लेके उसको अपने हिसाब से जो है उसको कन्वर्ट करेंगे, हर एक चीज़ लगवाएंगे अपने हिसाब से। तो बहुत सारा काम हुआ है गाड़ी में, ऑडियो हुई है, लाइटिंग हुई है, पूरे सीट कवर्स चेंज हुए हैं। तो एक एक करके आपको हर चीज़ बताएंगे कि क्या क्या हुआ है उसमें और क्या क्या पार्ट्स हमने यूज़ करे हैं। तो गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। एंड सम्यक भाई की किया सोनेट का भी मैं जो मॉडिफिकेशंस का लिंक है वो ऊपर आई बटन में डाल देता हूँ, आप वो भी चेक कर सकते हो। और अब आपके पास एक और ऑप्शन हो गया है हमारी इस बेस मॉडल किया सोनेट का, तो इसकी भी आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखना एंड बहुत अमेजिंग होने वाली है। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले गाइस भैया से मिल लेते हैं, कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया जी। तो भैया क्या दिखा रहे हैं आज हमारे व्यूअर्स को? आज हमने एक सोनेट बेस मॉडल में सारी मॉडिफिकेशंस करी हैं, ए टू जेड सारा वर्क करा है, मतलब इंटीरियर्स, ऑडियो, साइड मिरर, इलेक्ट्रिक, डिक्की में जो लाइट्स वगैरह लगती हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, फॉग लैम्प्स, बहुत काम करा है। प्रॉपर जो लोग वैसा प्रोजेक्ट लेते हैं ना बेस टू ऊपर का मॉडल बनाने के लिए जो जो काम होता है वो सारा काम करा है। राइट, ठीक है। तो भैया स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले ऑडियो से, ऑडियो के काफ़ी दीवाने हैं हमारे चैनल पे, तो ऑडियो से स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ें हमने यूज़ किया गाइस, तो भैया इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। सी सारे प्रोडक्ट्स नहीं दिखा रहे, हाँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, फ्रंट में हमने ये थ्री वे लगाया है मुराल कंपनी का, जिसके लिए हमने अलग से फाइबर पॉड्स बनाए हैं जो हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। रियर में हमने JL ऑडियो का C3 सीरीज का कंपोनेंट लगाया है, बहुत हाई एंड मॉडल है C3 सीरीज इनका, काफी अच्छा स्पीकर है। और इसके साथ हमने पूरे स्टीरियो को प्लेबैक देने के लिए एक प्रोसेसर यूज करा है, रॉकवुड DSR1 जो हमने लास्ट वीडियो में, हाँ, तो भाई मैं उसका भी वीडियो ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, आप चेकआउट करना। इसमें हमने ब्लॉपंग का एक स्टीरियो लगाया है 9 inches, बट एंड्रॉइड OS नहीं है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ है, बहुत ही अच्छा मॉडल है, बहुत सीमलेस चलता है कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो। वायरिंग हमने इसमें सारी प्योर कॉपर ब्लॉकों की यूज करी है, OFC वायर्स जो सबसे अच्छी क्वालिटी की आती है। एक हाई लो कन्वर्टर लगा है, साथ में हमने एक मोनो एम्प लगाया है जो हमने इन्फिनिटी का यूज करा है, एक हमने इसमें मुराल का 4-channel एम्पलीफायर लगाया है जो कि बहुत ही अच्छा है स्क्रीन के लिए, और एक हमने उसके साथ रॉकफोर्ड का शैलो सीरीज का बहुत स्लिम सबवूफर यूज करा है, क्योंकि कस्टमर को स्पेस नहीं खत्म करना था अपने बूट का। राइट, तो बूट की जरूरत तो सबको रहती है आजकल, जब भी आप मतलब SUV लो, मिड साइज SUV कैसे भी लो, तो बूट तो जरूरी होता ही है। तो भैया इस ये तो हो गया हमारे ऑडियो की बात, ठीक है, तो ऑडियो के अलावा हमने और क्या किया है इसमें? हमने देखिए एक तो हेडलैम्प अपग्रेड करा है, काफी लोगों की शिकायत है कि सोनेट की लाइट बहुत कम रहती है, बहुत कम रहती है, भी इसका फोकस अच्छा नहीं है और लाइट भी बहुत कम आती है, तो हमने इसमें एक जिनोम ब्रांड का प्रोजेक्टर हेडलैम्प लगाया है। सेकेंडली इसमें फॉग लैम्प नहीं आए थे, बेस मॉडल था, और जो ऊपर मॉडल में आते हैं इससे ऊपर वाले वेरिएंट्स में बहुत छोटे फॉग लैम्प आते हैं, राइट, जो कि साइज में ओनली 2 inches के हैं, तो उसका आउटपुट इतना नहीं रहता, तो हमने इसमें एक फॉग लैम्प अपग्रेड करा है, वो भी LED अपना HID फॉग लैम्प है 40 watts के अंदर। और कौन सी कंपनी का यूज किया हमने? जेनोम का। तो भैया ये सम्यक की गाड़ी में भी हमने वही लगाया था ना? हाँ, हेडलैम्प में जो हमने प्रोजेक्टर लगाया था वो सेम था, DRL भी हमने उसी स्टाइल में लगाई है जैसे उसमें लगाई। हाँ मैं देख रहा था, बिल्कुल सेम स्टाइल ही है, वो बहुत अच्छा लगता है दिखने में ना, खासकर जब रात हो जाती है, कंपनी बिल्ड जैसा लुक आता है, ऐसा नहीं लगता आपने आफ्टर मार्केट कुछ छिड़वाया है। राइट, मुझे खैर कंपनी वाले से बेटर लगता है ये वाला जो डिजाइन है ना। हाँ, DRL का आप कह सकते हो, थोड़ा डिसेंट लगता है, राइट, ना अच्छा लगता है। प्लस हमने इसमें स्टेयरिंग कंट्रोल इंस्टॉल करे हैं जो इस गाड़ी में नहीं आते, डिक्की में हमने रिफ्लेक्टर लाइट्स इंस्टॉल करी है, डिक्की की ट्रंक स्ट्रीमर लाइट इंस्टॉल करी है, जो मैट्रिक्स वाली होती है, खाली आती है जगह, रिफ्लेक्टर आता है डिक्की में, वहां हमने लाइट इंस्टॉल करी है। इसके अलावा हमने सीट कवर का काम करा है, इसमें कोटिंग भी करी है हमने बाहर से सेरेमिक, इसमें हमने स्टीयरिंग कवर भी लेदर रैप करा है ओई स्टाइल में जैसा टॉप एंड मॉडल में आता है, काफी सारा काम है, बाकी आप मतलब कंपनी से ज्यादा काम आपने कर ही दिया है इसमें, आपको सारा देखना, ठीक है। तो गाइस अब गाड़ी की तरफ चलते हैं एंड गाड़ी में देखते हैं कि फाइनल जो हमारा पूरा फिनिश आया है हर चीज का वो कैसा है, और आपको ऑडियो वगैरह उसकी लाइट्स सब कुछ चेक करवाएंगे। तो भैया हमने कार्डी K4 लगाई है ना इसमें, K4 एम्बिएंट लाइट लगाई है जिसमें काफी सारे मोड्स आते हैं, मल्टीपल वेरिएशन लाइट के अंदर, वो भी हम आपको, तो काफी डिमांड में आजकल कार्डी K4, तो हमने कार्डी K4 इंस्टॉल कराई है एंड आओ फिर अब पूरा आउटपुट चेक करते हैं एक बार गाड़ी के पास जाके। तो गाइस गाड़ी आप देख सकते हो इसके अंदर डैम्पिंग हो गई है और हमारा जो स्पीकर्स वगैरह हैं वो लग चुके हैं, तो मैं एक बार आपको चेक करवा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या लगा है। तो पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने मोरेल के यूज़ करे हैं 3-way कंपोनेंट स्पीकर्स, एंड पीछे जो हमने यूज़ किया है वो है हमारा JL ऑडियो के स्पीकर्स, एंड आप एक बार इसकी लुक चेकआउट कर सकते हो, दिस इज़ बेसिकली रेन गार्ड। एक तो ये पानी जब अंदर आता है तो स्पीकर्स ख़राब नहीं होते,
एंड इसके अलावा थोड़ा पंच भी जो होता है वो बेटर आता है इससे। एंड नीचे आप देख सकते हो इसी का लगा हुआ है क्रॉस ओवर, एंड सिमिलरली आप देख सकते हो आगे भी इसका लगा है क्रॉस ओवर। तो भैया हम इसका कैसा सेटअप तैयार कर रहे हैं? इसमें हमारा प्रॉपर एसक्यू सेटअप है, फ्रंट में अपना मुरैल का 3-way कॉम्पोनेंट लग रहा है इसके अंदर, पीछे हमने इसमें JL का C3 मॉडल लगाया जो कि एक प्रीमियम स्पीकर है, हाई एंड मॉडल है, वो भी कॉम्पोनेंट लगाया हमने 2-way। साथ में हमारे 2 एम्पलीफायर्स रहने वाले हैं, एक प्रोसेसर रहने वाला है। अच्छा, तो हम आपको जब पूरा डिटेल में दिखाएंगे तो एम्पलीफायर प्रोसेसर का। तो अभी कुछ कुछ चीज़ें बची हैं वो भी हम साथ साथ दिखाते रहेंगे वीडियो में। बाकी भैया ये जो शीट है ये काफ़ी मोटी लग रही है। ये मुरैल की सबसे प्रीमियम रेंज है, दिस इज़ अ 4.5 mm शीट। इसमें एक वाइब्रेशन डैम्पिंग की लेयर है, फिर एक फोम की भी लेयर है और एक हीट रेजिस्टेंस की लेयर है। इसमें तीन लेयर हैं एक ही शीट में। नाइस। इसमें स्टीरियो भी हमने एंड्रॉयड नहीं बट 9-inch में हमने ब्लॉपन का मॉडल लगाया है, विच कम्स विद वायरलेस कार प्ले एंड वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, विच इज अ गुड ऑप्शन। अच्छा, तो इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और कार प्ले दोनों का ऑप्शन आ जाता है। बाकी अभी थोड़ा और कंप्लीट हो जाए सेटअप, फिर आपको इसको एक बार ऑन करके भी दिखाएंगे इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं। तो ओवरऑल साउंड तो कुछ ऐसा सेटअप रहने वाला है, एंड अभी भी काम तो चल ही रहा है, अभी इसके पॉट्स वगैरह बनेंगे, एम्पलीफायर लगेगा। तो एक झलक आपको बस दिखा रहे थे कि कैसे कैसे काम चल रहा है। तो पहले आप ये चेक करो, ये देखो गाइस। तो बहुत लोग चाहते हैं कि पीछे हमें ऐसा लुक मिले जैसा हमें वेन्यू में भी मिलता है, बट ये कंपनी फिटेड नहीं आता। तो आप ये वाली जो है पीछे DRL लगवा सकते हो, और ट्रस्ट मी ये बहुत ही अमेजिंग लगती है। जब रात को आप देखोगे इसको पीछे से तो एक बहुत ही अच्छा लुक आता है पूरी गाड़ी का निकल के, एंड इसमें मैट्रिक्स भी आता है। तो भैया इसमें वो जब हम राइट लेफ्ट इंडिकेटर करते हैं तो वो भी इसमें आता है ना? भी मैट्रिक्स स्टाइल आता है, बट कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि उसे सिर्फ पार्किंग और ब्रेक फिल चाहिए था। हाँ, तो हमने ऊपर इंडिकेटर के कनेक्शन नहीं करे बट नीचे रिफ्लेक्टर में। वो थोड़ा फंकी भी लगता है ना बार बार ऐसे लाइट्स ऑन करके, चाहिए तो वो नहीं था। हाँ, तो बहुत सटल लुक आ रही है बट बहुत अमेजिंग लुक आ रही है। तो गाइस अब आगे से चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ है। पहले हेडलैम्प से स्टार्ट करते हैं, तो आप ये देख सकते हो हेडलैम्प्स। तो गाइज ये आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे पूरी DRL है, एंड यहाँ पे आपको एक रिंग शेप का ये डिज़ाइन भी मिल जाता है। तो ओवरऑल लुक जो गाड़ी की निकल के आती है वो बहुत ही एक अग्रेसिव सी लुक आती है, एंड मुझे टू बी ऑनेस्ट ये जो कंपनी की बाय डिफॉल्ट DRL आती है उससे बेटर लगती है। एंड ये सेम जो थी हमारे सम्यक भाई की गाड़ी में भी लगी हुई है, तो वही सेम डिज़ाइन है। तो भैया इसमें हमने एक्सेलाइट का यूज़ किया ना? साइज देख के लग रहा है कि इसका थ्रो तो बहुत ही अमेजिंग होगा, एंड फिटमेंट भी आप देख सकते हैं। फिटमेंट भी राइट, अब देखो तो यहाँ पे ऐसा कुछ खाली ऐसे स्पेसेस नहीं है और बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि कंपनी से ही ऐसा आया है। बट इसका थ्रो एंड ओवरऑल जो रिस्पॉन्स है वो हम ट्राई करेंगे कि आपको रात को दिखा पाएं, बट वो बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है। इसके अलावा भैया हमने आगे कुछ किया है क्या? इसमें हमने बस हेडलैम्प का अपग्रेड करा आगे और फॉग लैम्प का अपग्रेड करा है, बाकी सारे अपग्रेड अंदर हैं वो हम आपको दिखाते हैं। हम आपको अंदर जाके दिखाते हैं। पहले हम दूर से स्टार्ट करें तो इसमें हमने K4 लाइट्स लगाई है, थोड़ा मॉर्निंग का टाइम है तो कम विजिबल होगी। आप ये देख सकते हैं, वरना आपको सामने देखोगे तो ये है हमारी कार्डी की K4 लाइट्स, एंड इसमें बहुत सारे मोड्स आते हैं। हमने पूरी कार्डी K4 की एक वीडियो बनाई हुई है, मैं ऊपर लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ पे अलग अलग मोड्स जाकर देख सकते हैं। बट कुछ ऐसी दिखती हैं ये लाइट्स। एंड फिनिश की भी बात करें तो बहुत ही प्रॉपर फिनिश है, एंड कहीं भी आपको ऐसे बाहर को निकली हुई ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। एंड उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे आप स्टीयरिंग व्हील कवर देख सकते हो, ये हमने लेदर रैप ओरिजिनल पैटर्न में बिल्कुल ओई स्टाइल रैप करा है, जिसमें हमने ब्लैक एंड मरून का कॉम्बिनेशन लगाया है, तो गाड़ी की थीम के साथ मैच हो रहा है ये। एंड इसके अलावा अब आप देखो तो एक बार सीट कवर्स भी आपको दिखा देते हैं। तो ये देखो गाइज, रेड और ब्लैक की शेप में ही, सॉरी डिज़ाइन में ही हमने ये सीट कवर्स भी लगवाए हैं। तो भैया ये कौन सी कंपनी के रहेंगे? ये इसमें हमने पार्की ब्रांड के लगाए हैं और इसमें हमने GT लाइन की ब्रांडिंग भी दी है। अच्छा, तो गाइस आप देख सकते हो GT लाइन की यहाँ पे ब्रांडिंग भी आपको मिल जाती है इन सीट कवर्स में। क्या एक बार आपको रियर से भी चेक करवा देते हैं कि सीट कवर्स कैसे हैं। तो ये आप चेकआउट करो गाइस, बहुत ही सही डिज़ाइन लग रहा है। एंड ये जो थोड़े बहुत रिंकल्स हैं, जैसे हम पहले भी बोलते हैं कि फिटमेंट के कुछ टाइम बाद जाकर ये भी धीरे धीरे जब बंदा बैठता है तो ये भी चले जाते हैं।
वैसा ओवरऑल कुछ डिज़ाइन रहने वाला है सीट कवर्स का। अब बात करते हैं गाइज जो हमारी ऑडियो रिलेटेड स्टफ है, तो अब गाड़ी के अंदर चल के ऑडियो की बात करते हैं एक बार। तो पहले तो भैया ये है वो ब्लॉकपॉइंट वाला स्टीरियो जो आप बता रहे थे, 9 इंचेस मॉडल ओनली विद वायरलेस कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो। ये एंड्रॉइड ओएस नहीं है, इसमें यूट्यूब वगैरह ये सब नहीं होता, बट वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो सीमलेस चलता है। बहुत अच्छा इस मॉडल है ये इनका, राइट। बाकी गाइस टच रिस्पांस भी आप चेक कर सकते हो, अच्छा है। तो ये बेसिकली नॉर्मल जो हमारा जो वायरलेस कारप्ले और वो चलता है, जैसे स्टीरियोज आते हैं उस टाइप के फीचर्स हैं, बट ऑडियो क्वालिटी इज वेरी गुड, ऑडियो क्वालिटी इज वेरी गुड, ठीक है। फिर इसमें हमारा जो मेन हमने काम करा है वो हमने इसमें 3-way इंस्टॉल करा है, जिसमें हमने ये पूरा कस्टम फाइबर वर्क करके पॉट बनाया है। आप फिट एंड फिनिश देख सकते हैं भाई, बहुत ही अमेजिंग डिजाइन लग रहा है, आप ये चेकआउट करो, ये पूरा कस्टम मेड है। एंड आप एक बार इनका डिजाइन चेकआउट करो, इतना बढ़िया डिजाइन लग के आ रहा है बाहर, और सामने से जब आप बैठा होगा जो भी पैसेंजर या ड्राइवर, उसके बिल्कुल मुंह पे बहुत अच्छी आवाज आएगी, बेसिकली बहुत अच्छी उसके ईयर लेवल पे बिल्कुल हमने ये प्लेस करे हैं। प्लेसमेंट अगर आप देखेंगे तो हमने बिल्कुल ड्राइवर फोकस करके करा, राइट राइट, तो आपको बिल्कुल प्रॉपर एक साउंड आउटपुट मिलेगा इसके अंदर। बाकी भैया इसमें साउंड प्रोसेसर तो है ही है, तो ट्यूनिंग भी हमने बहुत अच्छे से उससे करी है, वो हम आपको थोड़ा आइडिया देंगे ऑडियो का, ठीक है। तो अभी आपको गाइस ऑडियो भी चला के दिखाएंगे कि इसका फाइनल जो आउटपुट है वो कैसा आता है इस हेड यूनिट के साथ। ये स्टीयरिंग कंट्रोल्स भी हमने इंस्टॉल करे हैं इसके अंदर, और ये तो ओरिजिनल ओरिजिनल जो आते हैं किया के वही लगाए हैं। तो गाइस बेस मॉडल में आप ये सब भी लगवा सकते हो, सेंटर लॉक इंस्टॉल करा है इसमें हमने, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ORVM इंस्टॉल करे हैं हमने इसमें, ये देख सकते हो गाइस ओरिजिनल बटन के साथ। इसमें अब बेस मॉडल वाला तो कुछ रहा नहीं वैसे, अब पूरा हमने बनाई दिया बेस के ऊपर वाला। और अभी इसमें और मोड्स होने हैं, ये फर्स्ट टाइम जितना बजट था कस्टमर का उतने मोड करे हैं, अभी पेंडिंग है कुछ। हाँ, अभी तो धीरे धीरे जैसे जैसे बजट आता रहेगा उसमें आएंगे। तो नीचे भी देख सकते हो आप, नीचे भी लाइट्स आती हैं। तो ये 18 पीस हमने काड़ी यूज किया, हमने यार 10 पीस लगाई है क्योंकि K4 की अभी अवेलेबिलिटी नहीं है 18 पीस। अच्छा, बहुत स्टॉक लेस चल रहा है इसका, शॉर्ट है, तो हमने 10 पीस करा है। बाद में जब अवेलेबिलिटी होगी तो हम 18 पीस पे। तो 10 पीस में बेसिकली हमारे यहाँ पे लाइट्स नहीं आती होंगी, हमारे डैशबोर्ड डोर और फ्लोर पे आती है, फ्लोर पे आती है, हैंडल पे और कप होल्डर पे नहीं आती, हैंडल और कप होल्डर पे नहीं आती, ठीक है। तो एक बार भैया वो भी दिखा दे पीछे वूफर वगैरह। हाँ हाँ, भाई साहब आपको दिखाते हैं पीछे डिक्की में जो वूफर हमने इंस्टॉल किया, आप चेकआउट करो गाइस। अगर आप देखिए तो ये हमने एम्पलीफायर की इंस्टॉलेशन करी है, प्रोसेसर एंड एम्पलीफायर की। ये 4 चैनल है मुराल का, ये इन्फिनिटी का मोनो एम्पलीफायर है, और ये हमारा रॉकफोर्ड का प्रोसेसर रहने वाला है। ये कस्टमर ने अपनी पुरानी गाड़ी से रिटेन करा है। अच्छा, तो गाइस कस्टमर के पास पुरानी गाड़ी थी नेक्सॉन, उन्होंने वहीं यहीं से काम करवाया था, उसमें ये सब इंस्टॉल था। तो बेसिकली अब वो नई गाड़ी पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि उन सारी चीज़ें जो है वो रीयूज हो पाए। तो उन्होंने ऊपर भी इसमें बहुत शैलो लगाया, अगर आप बॉक्स की डेप्थ देखेंगे इट इज ओनली 4.5 inches, बहुत कम स्पेस लेता है, और फ्यूचर में हो सकता है इसमें हम अपनी कुशाक में जैसे हमने दिखाया था स्टेपनी के अंदर वैसा अपग्रेड करें। अच्छा, तो गाइज मैं कुशाक वाली वीडियो भी ऊपर डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, उसमें नीचे बेसिकली पूरी स्टेपनी जहाँ पे आती है उसके अंदर आपका वूफर फिट हो जाता है, जिससे आपकी बूट स्पेस पूरी इंटैक्ट रहती है। तो गाइज ये रहने वाला है हमारा ऑडियो का सेटअप, और अब आपको एक बार आवाज़ सुना के दिखाते हैं कि क्या तहलका मचाती है। तो गाइज अब आपको एक बार इसका ऑडियो आउटपुट चेक करवाते हैं, कोशिश करेंगे कि आपको एक मतलब एहसास मिल पाए कि कैसा है, मोबाइल से इतना अच्छा आपको पता तो नहीं चलेगा वैसे, बट स्टिल विल ट्राई कि आपको एक पूरा एक्सपीरियंस मिलेगी कैसा ऑडियो है। तो प्ले करते हैं गाना। We'll be right back.
गाड़ी के अंदर तो बैठ के, तो मुझे पता नहीं आपको कितना पता चला होगा कि कैसी ऑडियो क्वालिटी है, बट आप मेरे से पूछो तो गाइज एक एक चीज इतनी बढ़िया है। पीछे वूफर से थंब भी बहुत अच्छा आ रहा है, एकदम पंची बेस आ रहा है, एंड ये जो ट्विटर्स है ना भैया, ये तो मुझे भाई बहुत कमाल के लगे। बिल्कुल मुराल की क्वालिटी बहुत अमीर, क्वालिटी बहुत अच्छी है, इनकी जो पोजीशनिंग है ना उससे एक बहुत अच्छा इफेक्ट आपके हाँ। लेवल पे रहता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। राइट बिल्कुल, सबसे मेन प्लेसमेंट ही है। आप होम ऑडियो में देखते हो आपकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है, सेंटर पे होती है, राइट लेफ्ट पे होती है, तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है होम थिएटर्स वगैरह या मूवी हॉल्स में। तो प्लेसमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। प्लेसमेंट प्लस जो ट्यूनिंग इसकी हो रखी है साउंड प्रोसेसर से, वो बहुत ही अमेजिंग है, और पूरा एक ऐसी फील आ रही है जैसे गाड़ी में कोई कॉन्सर्ट चल रहा हो। परफेक्ट ट्रेबल है, परफेक्ट बेस है, सब कुछ, कोई शिकायत नहीं है। और ये जो कार्डी के फोर है, इनसे चार चांद लग ही जाते हैं हर चीज में, तो इसके भी अलग अलग मोड्स हैं, आप इसको सिंक करो गाने के साथ तो आपको और भी बहुत मजा आएगा, आपको एकदम पूरा थिएटर वाली फील मिलेगी। और अभी तो दोपहर हो रही है तब इसकी ब्राइटनेस ऐसी है, देखो गाइस, और रात को आप जब इसको ऑन करते हो तो मतलब इससे अमेजिंग चीज मुझे कोई लगती नहीं गाड़ी में, सही बताऊं तो। एंड ये वाला मोड भी आप चेकआउट करो, इसमें मल्टीपल कलर्स आते रहते हैं। तो गाइस फाइनली आपको दिखाते हैं इस पे जो कोटिंग हुई है, आपको ऐसा पता तो नहीं चलेगा वीडियो में कि क्या काम हुआ है, बट आप देख सकते हो इसकी शाइन, एंड इसको टाइटेनियम कोटिंग बोलते हैं शॉप पे। तो आपको भी अगर ये करवानी हो तो आप शॉप पे आके टाइटेनियम कोटिंग करवा सकते हैं। एंड बाकी इसके अलावा थोड़ी छोटी छोटी एक्सेसरीज जो है हमने ऐड करी है, जैसे आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ठीक है, उसके बाद फिर आप पूरा ये देख सकते हो, ये भी अलग से ऐड हुआ है, ठीक है, साइड में ये लगवाए हैं ताकि डोर्स पे स्क्रैच ना, उसके बाद पीछे बैक पे भी ये सेम। ओवरऑल जो अब गाड़ी की लुक है वो बेस वाली तो कहीं से भी नहीं रही, एंड एक बहुत ही शानदार लुक निकल के आ रही है। बाकी गाइस जो रियर कैमरा फिक्स हुआ है वो भी देखो आप, ओरिजिनल जगह पे एकदम परफेक्टली फिट हो गया है, और कोई कह नहीं सकता कि ये बाहर से लगाया हुआ है। तो ओवरऑल कुछ ये सब काम हुआ है गाइस गाड़ी में। गाइस अब अंधेरा हो चुका है, एक बार आपको इन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और फॉग लैंप्स का रिस्पॉन्स चेक करवा देते हैं। तो गाइस पहले ये TRL की लुक दिखाता हूँ आपको मैं रात को कैसी आती है। तो ये देखो गाइस एकदम एग्रेसिव लुक आता है इसका। एंड अब अगर हम बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो पहले फॉग लैंप्स देख लेते हैं। हाँ तो ये हमारा लो बीम है, अभी ये हमारे जेनोम के हैं 40 वॉट्स के फॉग लैम्प्स, एंड इसका देखो आप अभी लो बीम पे ये थ्रू है, एंड सामने भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस ये सिर्फ अभी लो बीम है फॉग लाइट्स की, हाई बीम। तो ये है गाइस अब फॉग लाइट का हाई बीम, एंड आप इसका एक बार थ्रो चेक करोगे सामने तो सिर्फ ये फॉग लाइट का ही थ्रो है, एंड बहुत ही अच्छा थ्रो है इसका, एंड बहुत ही ब्राइट लाइट है, तो रात को आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। अब एक बार भैया हेडलाइट्स का दिखाते हैं लो बीम। तो ये देखो गाइस ये है इसका लो बीम का थ्रो, आप सामने चेक कर सकते हो कि इसकी ब्राइटनेस कितनी शार्प है। भाई एक बार हाई बीम करना, ये देखो गाइस ये है हाई बीम। तो अभी हमारा जो फॉग लैम्प्स है ये बंद है, एंड ये इसका हाई बीम है। एक बार थ्रो चेकआउट करो, ब्राइटनेस बहुत ही अमेजिंग है। एंड अब एक बार पूरा सेटअप ऑन करते हैं फॉग लाइट्स भी। गाइस ये रहने वाला है इसका ओवरऑल थ्रो, एंड आप ब्राइटनेस अपने सामने ही देख सकते हो कि कितनी ब्राइट है, एंड हाईवे ड्राइविंग अगर आप करते हो तो बहुत ही ज़रूरी होती है ये सब लाइट्स। तो आप इसका थ्रो एक बार चेक कर सकते हो, डिपर वाला, ये देखो गाइस अमेजिंग रिस्पॉन्स। गाइस अभी आपने पूरी वीडियो देखी हमारी किया सोनेट की मॉडिफिकेशंस पे, एंड आपको काम जो है वो अच्छा लगा ही होगा, मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा, एंड सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से फंक्शन कर रही है और एकदम एक्यूरेट है अगर ऑडियो की बात भी करो तो। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी बहुत सारी मॉडिफिकेशन की वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। एंड आपको कोई भी अगर इनमें से चीज़ करवानी हो या कोई काम रिलेटेड हो मॉडिफिकेशन के, तो आप शॉप के नंबर पे फोन कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूँ, एंड आप वहाँ से भैया को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं गाइज ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।